हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चीतल मोह मछली रेसिपी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, बनाना बहुत आसान है। बहुत आसानी से आप अपने घर पे इसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। हमने दो चीतल फिश लिया है फ्रेंड्स, इसका वजन है 750 ग्राम। इसे हम अच्छे से साफ करेंगे। देखिए, एक छुरी के माध्यम से इसे हम साइड्स का जो भी है इसका स्किन को निकाल लेंगे और इसे कट करके अच्छे से हम साफ करेंगे। फिश को हमने कट कर लिया है फ्रेंड्स। इसे 4 से 5 पानी डालकर हम अच्छे से साफ करेंगे इसे। फिश बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया फ्रेंड्स। इसमें अब डालेंगे हम हल्दी पाउडर और इसे मिलाएंगे। एक पैन में डालेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों तेल। थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे। मेथी को हम चटकने देंगे। मेथी चटक चुका है फ्रेंड्स। अब फिश को डालकर हम इसमें फ्राई करेंगे। इसे हल्का हल्का हम चला लेते हैं। चलाने से आपस में चिपकता नहीं है। एक साइड से फ्राई हो गया है फ्रेंड्स। अब इसे हम पलट कर दूसरे साइड फ्राई करेंगे। ये दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसी तरह बचे हुए फिश को भी हम फ्राई कर लेंगे। हमने सभी फिश को फ्राई कर लिया है फ्रेंड्स। इसे निकाल लेते हैं हम। बचे हुए तेल में डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना। मेथी को थोड़ा हम चटकने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पिसा हुआ सरसों। सरसों को हल्का ब्राउन कलर होने तक भूनेंगे। एक चम्मच पिसा हुआ प्याज डालेंगे इसमें हम। इसे भी हल्का भून लेंगे। एक चम्मच पिसा हुआ टमाटर इसमें डालेंगे हम। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। एक चम्मच जीरा पाउडर। सभी को मिलाकर एक साथ हम भूनेंगे। मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। पानी आप अपने ग्रेवी अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का उबाल आने तक हम वेट करेंगे। हल्का उबाल आ गया फ्रेंड्स। अब एक चम्मच इसमें पिसा हुआ लहसुन डालेंगे।
लास्ट में हम लहसुन डाल रहे हैं इसलिए ताकि मछली में थोड़ा सा भी विषैलापन है वो नहीं लगेगा आपको, इसलिए लास्ट में डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग मछली को भूनते मसाला भूनते टाइम ही लहसुन डालते हैं। ग्रेवी में बिल्कुल अच्छे से उबाल आ चुका है फ्रेंड्स, अब फ्राई किए हुए फिशेस को हम इसमें डाल देंगे। इसी तरह इसे हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। ये रेसिपी आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये रेसिपी रेडी हो गया फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हम बंद कर लेते हैं। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। खाते पीते रहिए, मस्ती में रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।